आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमें लगता है आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ी मात्रा में काजू के सेवन से ना सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि कई बीमारियाँ दूर होती हैं। लेकिन अधिक मात्रा में काजू कई प्रकार के दुष्प्रभावों का कारक बन जाता है। काजू को ड्राई फ्रूट का राजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वाद और सेहत के लिहाज से काजू का कोई जोड़ नहीं है। काजू का सेवन रोजाना करने से अनेक फायदे मिलते हैं। अगर आप एलर्जी या सिरदर्द के मरीज हैं तो आप अपने वैद्य या डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि आपके लिए काजू फायदेमंद नहीं है। तो आज वीडियो में हम आपको काजू के साइड इफेक्ट बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है वजन का बढ़ना। काजू में कैलोरी की अधिक मात्रा होने के कारण इसके अधिक सेवन से वजन बढ़ने लगता है। लगभग 30 ग्राम काजू में 163 कैलोरी होती हैं। हालांकि इसमें पाए जाने वाला फैट स्वस्थ प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी इसको अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ने लगता है। अगला है एलर्जी का कारक। संयुक्त राज्य अमेरिका में काजू एलर्जी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2003 के अंक में जर्नल रिपोर्ट के अनुसार एक ही परिवार के लगभग एक तिहाई बच्चों को एक साथ काजू से एलर्जी हो गई। काजू को खाने से एलर्जी कभी कभी घातक भी हो जाती है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई, पित्ती, चकत्ते, खुजली, उल्टी या दस्त जैसी एलर्जी के लक्षण दिखने लगते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि ये आपके काजू के कारण हो सकता है। अगला है रक्तचाप की समस्या। नमकीन काजू आसानी से उपलब्ध होने वाले नाश्ते का विकल्प है, साथ ही ये बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन फिर भी उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम का उच्च स्तर होता है। अगला है सिरदर्द की समस्या। अगर आप सिरदर्द और माइग्रेन से पीड़ित हैं तो आपको काजू के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड की मौजूदगी सिरदर्द पैदा करती है। अगला है डायबिटीज में नुकसानदेह। कई शोध ये बताते हैं कि ज़्यादा मात्रा में काजू के सेवन से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है। मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसके सेवन के समय अपनी रक्त शर्करा की निगरानी करनी चाहिए और इसके अनुसार अपनी मधुमेह दवाओं की खुराक को समायोजित करना चाहिए। सर्जरी से पहले काजू के सेवन से बचें। काजू में रक्त शर्करा को प्रभावित करने की क्षमता होती है, इसलिए कुछ मामलों में काजू सर्जरी के दौरान और बाद में रक्त शर्करा नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है। ऐसे में सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले काजू का अधिक सेवन बंद कर देना चाहिए। गर्भावस्था में अगर एलर्जी की समस्या है तो भी काजू आपको गलती से भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल काजू विटामिन और मिनरल का एक समृद्ध स्रोत तो प्रदान करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक नाश्ते का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो गर्भावस्था के दौरान खुद को और अपने बच्चों को एलर्जी से बचाने के लिए इस नट से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती को नमकीन काजू खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की उच्च स्तर के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला है गॉल ब्लैडर में स्टोन। काजू को बहुत ज्यादा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद ऑक्सलेट्स तत्व किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन के गठन के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो सकता है, इसलिए गॉल ब्लैडर से पीड़ित व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।